मामला टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। नगर पंचायत टेंडर बंदोबस्ती धारी द्वारा निर्धारित राशि से अधिक रुपया लेने से नाराज ई रिक्शा चालकों का फूटा गुस्सा। गुरुवार को न्यू बाईपास चौक के पास NH 28 पर अपना ई रिक्शा खड़ा कर वाहनों का परिचालन ठप कर दिया। इस दौरान अधिक राशि उगाही के विरोध में टेंडर लेने वाले संवेदक तथा संबंधित अधिकारियों के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। लगभग एक घंटे तक चले जाम की वजह से सड़क के दोनों तरफ छोटी बड़ी वाहनों की लंबी कतार लग गई तथा इस मार्ग से सफर करने वाले यात्रियों तथा वाहन चालकों को खासे परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना पर पहुंचे SI दिनेश शर्मा ने ई रिक्शा चालकों को समझा बुझाकर तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन पर जाम समाप्त कराया तो NH पर वाहनों का परिचालन शुरू हुआ। वहीं ई रिक्शा चालकों ने अपने अपने ई रिक्शा से शिकायत लेकर DSP के आवासीय कार्यालय व थाना भी पहुँचे। पुनः नगर पंचायत कार्यालय जाकर लिखित शिकायत पत्र दिया। जैसे हम लोग का पट्टी पर 20 रुपया कटता है और एक स्टैंड वाला जिधर से भी आते हैं वहाँ पर 20 रुपया काट देता है पट्टी। नगर पंचायत काटने के बाद स्टैंड चार्ज लेने के बाद भी पट्टी पर 20 रुपया ये काटता है। यहाँ का दादा लोग कटवाता है, यहाँ का जो नगर पालिका वाला लोग है वो है। फिर यहाँ पर चौक के सामने भी कटता है, मधुबन रोड में भी कटता है सर 20 रुपया। मधुबन रोड पर तो पर्ची भी नहीं मिलता है सर। के काटता है, काटने वाला का नाम मालूम है? नाम नहीं, पर्ची पर किसी का नाम नहीं है सर। पर्ची पर कोई नाम नहीं है, प्रशासन का काम है कि पता करे के रंगदारी कर रहा है क्या कर रहा है। कोई भी रूट से हम लोग जाते हैं देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग पैसेंजर ले जाने नहीं देंगे, गाड़ी चलाने नहीं देंगे। अभी ई रिक्शा चालक है जी, क्या नाम है? अकबर अली।